आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। दुष्कर्म के बाद शर्म से नाबालिग ने लगाई फांसी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के एक गांव में मानवता को शर्मसार व कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां घर में सो रही एक नाबालिग लड़की से दो युवकों ने हथियार की नोक पर दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग ने शर्मिंदगी के चलते फांसी पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना बसेड़ी थाना क्षेत्र के लेवड़ापरा पुलिस चौकी इलाके की है। घटना की सूचना के बाद बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची तथा सबको कब्जे में लेकर बसेड़ी CSC में मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी 15 वर्षीय बालिका बीती रात अपने घर में सो रही थी, तभी दो युवक बंटी उर्फ मनोज गुर्जर व हरिकेश गुर्जर निवासी खटियाने का पुरा कुनकुटा उनके घर में घुस आए और कट्टे की नोक पर आरोपियों ने बारी बारी से नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। बालिका की चीख पुकार सुनकर परिजन जागे तो दोनों मौके से भाग रहे थे। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी मनोज को पकड़कर ग्रामीणों ने बंदी बना लिया, वहीं दूसरा आरोपी हरिकेश मौके से भाग निकला। घटना के बाद शर्मिंदगी के मारे नाबालिग बालिका ने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने किवाड़ तोड़कर बालिका के शव को बाहर निकाला, वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पॉस्को एक्ट के अलावा अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। घटना के बाद देर शाम SP केसर सिंह शेखावत बसेड़ी थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव में जी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मंशा से उस लड़कों के किसी के घर में घुसने की जानकारी मिली थी। इस संबंध में उसके परिजनों की ओर से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप है कि दो लड़के उस लड़की के पास दुष्कर्म करने की नीयत से आए। जाग होने पर उनमें से एक को पकड़ करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया। इस संबंध में पुलिस थाना बसेड़ी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। जो दोनों आरोपी हैं उनको दस्तियाब किया गया, जिनसे अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई। जो रिपोर्ट परिजनों द्वारा प्रस्तुत की गई है उसके मजमून के आधार पर धारा 376D और 306 IPC और 304 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सुसाइड कर लिया, इसलिए इसमें प्रकरण में धारा 306 IPC। सांसद ने किया 100 फीट ऊंचे तिरंगे व वाईफाई का उद्घाटन। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से आज क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने वाईफाई व नए कोच और ट्रेन इंडिकेटर का उद्घाटन किया, जिससे अब रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे यात्रियों को वाईफाई सुविधा मिल सकेगी। साथ ही राष्ट्रभक्ति जागृत करने के लिए रेलवे स्टेशन में प्रवेश द्वार के आगे 100 फीट ऊंचाई पर लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज का भी शुभारंभ किया है। उद्घाटन समारोह में जिला संघ चालक पुरुषोत्तम, समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह, विभाग संपर्क प्रमुख RSS राजेंद्र सिंह, विभाग सेवा प्रमुख राम अवतार, जिला कार्यवाहक यदुनाथ, जिला संपर्क प्रमुख जितेंद्र सह, जिला कार्यवाहक युवा समाज सेवी राघवेंद्र उपाध्याय, हरेंद्र राव के अलावा रेलवे के आगरा मंडल के अधिकारी एवं स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। अब धौलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 24 घंटे निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर नए कोच और ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को ये पता चल सकेगा कि ट्रेन का कौन सा कोच किस स्थान पर आएगा, जिससे यात्रियों को ट्रेन के कोच के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय रेलवे प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ स्थानीय भाजपा पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। इसको कवरेज के लिए पधारे मेरे पत्रकार साहब की बंधुओं, साथ में सम्मिलित सभी ही रेलवे के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ देश भर में क्लास रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। ये देश का गौरव बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। स्टेशनों पर सौंदर्यीकरण के रूप में भी ये एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही ये जो रेलवे का इंडिकेटर बोर्ड, इसका आज लोकार्पण हुआ है, तो ये
धौलपुर के स्टेशन की बात करें, विगत 3-4 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है यहाँ का और पहले से एक्सटेंशन भी हुआ है। देखने में आज बहुत सुंदर लग रहा है कि धौलपुर का रेलवे स्टेशन जो पहले उजड़ा सा दिखता था अब बहुत सुंदर और सौम्य दिखने लगा है। तो इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को, स्थानीय अधिकारियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं स्थानीय सांसद डॉक्टर रजौरिया जी का साधुवाद, हृदय से धन्यवाद। सांसद महोदय के द्वारा यहाँ पर वाईफाई की सुविधा पूरे स्टेशन पर और इसके साथ ही नए कोच और ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, ट्रेन आने के पहले उनको पता हो कि उनका कोच कहाँ पर आने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे 100 फीट लंबे तिरंगे झंडे जो मॉन्यूमेंटल फ्लैग बोल रहे हैं उसका अनावरण किया गया। 7 ब्राह्मणों का अपहरण करने वाले 2 इनामी डकैत गिरफ्तार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके से डीएसटी टीम धौलपुर ने खूंखार इनामी दस्यु रहे जगजीवन परिहार गैंग के 2 इनामी डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन्हें समौला चंबल नदी के बियड़ों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार डकैत राजेश पुत्र दामोदर ठाकुर निवासी बहरारे का पुरा थाना देवगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश और धनीराम उर्फ धीरेन्द्र पुत्र शंकर सिंह ठाकुर निवासी बहरारे का पुरा थाना देवगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं। दोनों पर 2,000 रुपये का इनाम घोषित है। यह 14 साल पहले धौलपुर जिले में बहुचर्चित प्रकरण 7 ब्राह्मणों का अपहरण वाले कांड में शामिल थे, तभी से ये फरार चल रहे थे, जिन्हें आज डीएसटी टीम धौलपुर ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली टीम में डीएसटी टीम प्रभारी जयदेव कांस्टेबल, ओमवीर सूबेदार बीरबल, जितेंद्र अवनेश, योगेश कुमार, आरएसी के कांस्टेबल गजेंद्र, चालक दिलीप आदि शामिल हैं। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। धौलपुर स्टेशन पर तेलंगाना एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव की मांग। धौलपुर शहर के लोगों ने आज स्थानीय रेलवे स्टेशन पर वाईफाई उद्घाटन समारोह में पहुंचकर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के नाम उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धौलपुर जंक्शन पर तेलंगाना एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि धौलपुर से दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए धौलपुर जिला एवं उससे सटे अन्य जिलों में करौली, सवाई माधोपुर व भरतपुर के रूपबास आदि के यात्रियों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जाने के लिए एकमात्र धौलपुर रेलवे स्टेशन है। धौलपुर से हैदराबाद और तेलंगाना के लिए औसतन प्रतिदिन 200 से 250 यात्री जाते हैं और इतने ही उधर से आते हैं, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना एक्सप्रेस का धौलपुर स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में कहा गया है कि तेलंगाना एक्सप्रेस गाड़ी का धौलपुर में ठहराव तो इससे धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर आदि जिलों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। ज्ञापन देने वालों में महेश शर्मा, माता प्रसाद, राकेश, दीपक मुदगल, नरेश चंद, दयाशंकर, पवन जाटव आदि शामिल हैं। कृषक बिल के विरोध में धौलपुर मंडी में हो रही हड़ताल। धौलपुर में आज कृषक बिल के विरोध में कृषि उपज मंडी धौलपुर में हड़ताल रही। कुछ किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचे, जिनको बेरंग लौटना पड़ा। कृषि उपज मंडी प्रांगण धौलपुर में पल्लेदार एवं मजदूर बिना काम के बैठे रहे। व्यापारियों की आड़त पर सन्नाटा पसरा रहा। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो कृषि अध्यादेश जारी किया है वह किसान, व्यापारी एवं मंडी व्यापारियों का विरोधी है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियों में माल का क्रय विक्रय एवं खरीद फरोख्त बंद होने से व्यापारियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। बिल के विरोध में राजस्थान प्रदेश के समस्त व्यापारियों ने कृषि मंडियों के बंद का आह्वान किया है, जिसके समर्थन में धौलपुर जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी भी आज हड़ताल पर रही। व्यापारियों ने मंडी के अंदर माल की खरीद फरोख्त का बहिष्कार कर केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्यक्त किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो 5 जून 2020 को जो अध्यादेश जारी किया गया था उसके विरोध में राजस्थान की समस्त मंडियां
का सहयोग करते हुए हमारी धौलपुर मंडी भी आज हमने बंद रखी हुई है और अपने मतलब मंडी में आए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी क्रय विक्रय हमारी मंडी में नहीं किया जा रहा है। ये बहुत काला कानून है केंद्र सरकार की तरफ से और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इससे हम व्यापारियों का भविष्य बहुत खतरे में, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ कोई नहीं आएगा माल बेचने के लिए और किसान और व्यापारी मजदूर सारे लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मंडी प्रांगण के भीतर जो प्रतिस्पर्धा होती है भाव में, उससे किसान को बहुत अच्छा बाजी उचित मूल्य मिलता है और मंडी से बाहर क्रय विक्रय होगा तो सब लोग अपनी मनमानी करेंगे। इससे किसानों का, हम व्यापारियों का हित ही होगा, इससे कोई हित नहीं है। आपका नाम? ब्रजेश दीक्षित। आगरा से अपहृत बालक धौलपुर में मिला। धौलपुर से सटे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद इलाके से रविवार रात करीब 9 बजे एक युवक का कथित रूप से अपहरण हो गया, जो कि आज धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर स्थित लोहारी गांव के पास अर्धनग्न अवस्था में पेड़ के नीचे मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही युवक के परिजन मौके पर आ गए और परिजनों की सूचना पर आगरा जिले की शमशाबाद थाना पुलिस भी मौके पर आ गई। पीड़ित युवक बंटी पुत्र चिरंजी लाल जाटव निवासी लहरा शमशाबाद आगरा ने बताया कि रविवार रात 9 बजे खेत पर से कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जो गाड़ी में डालकर ले आए और रास्ते में पेप्सी पिलाई। उसके बाद उसे होश नहीं रहा कि उसे कहां ले जाया गया। युवक ने बताया कि वह उनके चुंगल से जैसे तैसे छूटकर कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया है। वहीं शमशाबाद थाना पुलिस की माने तो युवक का परिवार में ही कोई जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर यह पारिवारिक झगड़ा है और उसी के तहत यह पूरा विवाद हुआ है। फिरौती के लिए अपहरण जैसा कोई मामला नहीं है, लेकिन पुलिस फिर भी मामले की जांच कर रही है। शमशाबाद थाने से मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की गुमशुदी रिपोर्ट थाने में दर्ज है, जिसके यहां मिलने की सूचना पर आए हैं। वहीं पीड़ित बंटी के भतीजे अनिल ने अपहरण करने का आरोप लगाया है। भैया संजय को अपनी बिजली में सोचा रोजाना, ठीक है, दो एक आदमी संगुज होता मोड़े, ठीक है, बहुत दिनों से मन में केस चल रहा है खेत के बीच। मैं 9 बजे करीब घत्ते आ रोटी बोटी का है, मोबाइल में मेरे सड़ियानों का फोन आते ना, मैं मन कीजिए बात करा दी लाली थे, मैं बात छुड़िया बोल के जाओ, मैं फिर हार में आया कह डिब्बा भर के गोभी पे दूँ, गोभी पे थे मैं मनते पकड़ूँ, मैं जबरी करी पर माँ एक चप्पल उड़ी रह गई मैंने की शायद, फिर कचेर के लाया मोबाइल में, फिर मनते ना चल के गाड़ी में डाल रहा हूँ, फिर मैं वहाँ माए गाँव को सूबेदार हुआ तुम्हें सर, और जन बजेरा जन बलेनो गाड़ी सफेद कलर की गाड़ी भैया, फिर मैंने जबरी तो पेप्सी पियाई है, पेप्सी पिया के फिर ना तो मारपीट की थी आपके साथ? मारपीट भैया। यहाँ कैसे आए मैं जाऊँ कही कला तो हेमंत तारीख में भेजवाऊंगी सवेरे, कहाँ कोर्ट में कोई केस है? आज की तारीख है मेरी। फिर यहाँ कैसे आए आप भैया? मैं तो 4-5 घंटा बाजरे ने बजाते है वो आँच लगाई मैंने, मैं संगम बार फार बजाते हैं, अच्छा कपड़ा कपड़ा फूगा हुआ बगल में फूगा में डाल भी कुछ करी, कोई ट्रक में फेंक भी कुछ करी आगे। कितने का आदमी वो मनते? तो 3 गाड़ी में और 4 में थे, 4-5। उनके चंगुले छूटे कैसे आप? मैं भैया छूटो ऐसे मैंने भैया तू खेत पे ले जाइयो बिन्ने थोड़ी बिन्ने सहसर पैसर पर ही बाजरे ने, मैं जी बाजरा कटवैया तुम्हारी कटवैया होते हैं गन्ने ने थोड़ी बे बहन थी हम मनते भजा भैया बहुत बे हो सब भजा हूँ। फिर तो कितनी दूर चले होंगे पैदल? मैं भैया कम से कम चले गए होंगे 20-25 किलोमीटर तो चले गए होंगे। कब से चल रहे हो, कितने घंटे चल रहे हो? 4-4 घंटा के करीब है, 4-5। आप जानते हो उनका नाम क्या है जो आपके संघटना की? भैया नाम तो मैं जानता ना, सकल जानता हूँ मैं। नाम उनका बंटी है और रात 9:15 बजे से लेटिंग करने आए थे हार में, पानी दे रहा था मैं, मुझे आवाज़ दी थी और आवाज़ के साथ में ये बोले थे कि लेटिंग करके आ रहा हूँ, और तब से घर नहीं पहुँचे थे हमें, 11-12 बजे से मालूम पड़ी थी जब से हम ढुलाई कर रहे थे, और यहाँ पे पकड़ होके आई है और हमें मुझे पता है। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर, अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर।
वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा, पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। पर धौलपुर शहर में हटाया अस्थायी अतिक्रमण। नगर परिषद धौलपुर की ओर से आज शहर के एकीकृत पार्क के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें नालियों के ऊपर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया और सड़क किनारे रखे लकड़ी के खोखों को जब्त किया गया। सोमवार सुबह नगर परिषद प्रशासन के दस्ते ने शहर के गांधी पार्क के चारों तरफ अतिक्रमण को हटाते हुए सभी दुकानदारों को फिर से अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बारगी तो बाजार में दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान भी बंद कर गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शहर में कई जगह जाम के भी हालात बन गए। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार बाजार में से गांधी पार्क के पास से पहले से डंडे के सहारे अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। आए दिन बाजार में जाम होने की समस्याएं आती हैं, नाले नालियों के ऊपर लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं, इससे नालों की सफाई भी नहीं हो पाती। आम जन की सुविधा को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। एबीवीपी की जिला बैठक में हुई नवीन दायित्वों की घोषणा। धौलपुर शहर के मानस मंदिर पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर जिला समिति की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए आयोजित की गई, जिसमें जिले की कार्यकारिणी के दायित्वों की घोषणा व आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। बैठक का संचालन जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने किया। बैठक में ऑनलाइन सदस्यता अभियान से जिले में अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी परिषद की सदस्यता करवाने का विचार रखा गया। इस मौके पर प्रांत सह मंत्री भूपेंद्र गुरैया ने सभी कार्यकर्ताओं को अपने दायित्व के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विभाग संयोजक अभिनव सिंह ने संगठन की रीति नीति के बारे में बताया। इसके साथ ही आगामी जिले में नवीन दायित्वों की घोषणा की, जिसमें जिला संयोजक SFS ललित बंसल धौलपुर, जिला सह संयोजक SFS सूरज शर्मा बसेड़ी, जिला संयोजक SFD राजन ठाकुर राजाखेड़ा, SFD जिला सह संयोजक विशाल राजौरिया धौलपुर, जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार बाड़ी, जिला छात्रा सह प्रमुख राखी प्रजापति बसेड़ी, जिला सोशल मीडिया संयोजक समरथ गुर्जर बाड़ी, जिला महाविद्यालय प्रमुख सुमेर सिंह जादौन राजाखेड़ा को बनाया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर जिला समिति का बैठक का आयोजन धौलपुर स्थित मानस मंदिर पर किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा की गई, साथ ही ऑनलाइन सदस्यता को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में विभिन्न इकाई से कार्यकर्ता पधारे, साथ ही धौलपुर जिले के नवीन जिले के दायित्वों की घोषणाएं की।